महक शेख के यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम है जी। आज महक शेख का यूट्यूब का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एग्जीबिशन चल रहा है और महक मेरी गेस्ट है आज। ये आई है मुझे मिलने के लिए और बहुत सारी शॉपिंग भी करेगी। हम उसको बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स देंगे, डिस्काउंट्स देंगे। अब क्या क्या है एग्जीबिशन में आगे आप इसके व्लॉग में देखते जाना। बहुत अमेजिंग और ब्यूटीफुल कलेक्शन है। आइए आप लोग सब 29th and 30th एट बाइंग। दीप्ति हरिया गड्ढा 84। फिर से बोलिए ना एक बार। दीप्ति हरिया गड्ढा। दीप्ति हरिया गड्ढा 84। स्टॉल नंबर 48, फ्लैट 10% इयररिंग्स, बिग इयररिंग्स। एनीबॉडी हु इज फॉन्ड ऑफ बिग इयररिंग्स कैन कम टू यू। से अ टंग ट्विस्टर। जो जो को खोजो। यू हैव टू रिपीट इट फॉर 10 टाइम्स। ओके कम ऑन चेयर। जो जो को खोजो खोजो Now, this girl with a beautiful smile and amazing specs will try again this very simple tongue twister with me. Jojo ko khojo khojo jojo ko jojo ko khojo khojo jojo ko jojo ko khojo khojo jojo. Okay? हाँ. Jojo ko khojo khojo jojo. Yes, you will say this for 10 times. जो जो को खोजो
आ गई हूँ भाभी के बुलाने पे यहाँ पे एग्जीबिशन में, और भाभी खूब जोरों और शोरों से जो है होस्टिंग करते हुए नजर आ रहे मुझे। रियली आई एम रियली ग्लैड एक्चुअली भाभी को देख के हम सच में। और ये देखो ये भाभी ने फिर किसी को पकड़े है, पता नहीं अब क्या करने वाले इन लोगों के साथ में। With a beautiful smile, and she is going to start a tongue twister over here. I'm giving her a very easy one on her request. Purple pepper people, purple pepper people, purple pepper people, purple pepper people, purple pepper people. Ten times. I think she is trying another one. क्यों सबको सता रहे इतना? तू क्या ट्राई करेगी बता? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुझे भी देती हूँ मैं आज। मैं नॉर्मल बात नहीं कर पाती हूँ सीधे से। फिलहाल मैं यहाँ बैठी हूँ, ये माइक लेके लोग मुझे होस्ट समझ रहे हैं, और पता नहीं कोई बहुत सारे लोग आके बोल रहे हैं कि हमारे स्टॉल का जो है वो अनाउंसमेंट कर दो। मैंने सबको बोला कि नो आई एम नॉट अ होस्ट, और मेरे होस्ट और मेरे दोस्त जो है वो अभी है नहीं अवेलेबल, वो कहीं गए हैं भाभी तो होस्टिंग वो कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो फिर उनको मैं सारे स्टॉल्स के नाम बताऊंगी जिन जिनने मुझे बोला है होस्ट समझ के कि मैं उनके लिए अनाउंस कर दूं। तो बस बैठी हुई हूँ यहाँ पे, नेल आर्ट चल रहे हैं, ये नेल आर्ट काउंटर है और मैं स्टेज पे बैठी हूँ ये लेकर। सोच रही हूँ कि ऑन कर चुकी इतना कुछ बोल दूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी ईयरिंग्स के और जो मैंने एक चीज़ आपको दिखाई है, ये सब है ना हैंडमेड है और लोगों ने खुद बनाए हुए हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसमें एक कैंडल का भी जो वीडियो है, कैंडल इज सुपर सुपर सुपर, बहुत अच्छे कैंडल्स हैं। मैं यहाँ से कैंडल्स बाय करके लेके जाने वाली हूँ एक्चुअली। और यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब लोगों ने खुद बनाई हुई है। यहाँ पे कॉर्नर पे जो है एक चाय का स्टॉल लगा है, ग्रीन टी का, वेट लॉस टी, इम्यूनिटी टी, और बहुत सारी टी है, कश्मीरी कावा है। जो मैं आपको टीज के लिए बता रही थी, इसमें मेन जो है वो स्पेशल, ये देखो मैंने मेहंदी भी लगाई है, तो स्पेशली इसमें जो कश्मीरी कावा है, स्मेल टू गुड, मैंने इसको स्मेल किया है लिटरली, ये इतना अच्छा कावा है कि अगर आपको सर्दी जुकाम कोई भी चीज़ हो, आप सिर्फ दिन में 2 से 3 बार ये कावा पी लें तो आपकी तबीयत एकदम दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने मुझे सारे के सारे जो है ग्रीन टी का स्मेल करवाया है, इट्स ऑल हर्बल एंड ऑल नेचुरल, बहुत अच्छी ग्रीन टी है उनके पास में। तो महक की जुबानी अभी आप लोग सुनिए, जैसे कल आप लोग ने देखा था और सुना था इसकी बाइक की कहानी, जो उन लोग धक्के मार मार के लाए गाँव से लेके आए थे, आज भी उसके पास में बाइक की एक अच्छी सी कहानी है, सुनना आप लोग, इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। मिलते हैं। मेरी बाइक जो है मैंने पार्किंग प्लेस पे लगाई थी, उसके बावजूद भी मेरी गाड़ी उठा कर लेके चले गए पुलिस वाले। मैं नीचे उतरी थी घर जाने के लिए, और जब पता चला कि नीचे बाइक नहीं है, तो मैं फिर से भाभी के पास आ गई हूँ भाभी को कंपनी देने। अब मेरे हस्बैंड आएंगे लेने के लिए मुझे यहाँ पे, फिर हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन अपनी गाड़ी लेने। शॉपिंग तो होने से रही या की या जो भी हुआ, बट टोचन की रिसीट तो जरूर कट गई है। और मालूम है इंश्योरेंस नहीं है मेरे पास, इंश्योरेंस का फाइन लगेगा वो अलग, इंश्योरेंस है ना मेरा खत्म हो गया है। मैं सोच रही थी कि अभी 1-2 तारीख को फिर स्कूल से, मतलब मैं इंश्योरेंस बनने के लिए दे दूंगी, इंश्योरेंस भी गया और अब इंश्योरेंस का फटका भी अभी मेले पे दहला। 2 दिन इसके पास में लगातार आपके लिए बाइक की कहानी है, कल वाली भी नहीं देखी होगी तो देखेगा जरूर, जो धक्के लग रहे हैं बाइक को। मैं मेरे ख्याल से भाभी सही बोल रहे हैं, मुझे ना एक नींबू मिर्ची लेके मेरी दोनों बाइक पे से उतार के फेंकना चाहिए, एक ने कल धक्का लगवाई है और एक को अब धक्का लगाने मैं जा रही हूँ वापस से, और देखो कब मिलती है और कैसे मिलती है, पुलिस वाला देगा अभी क्या नहीं देगा, कितना टाइम लगने वाला है। फिलहाल तो वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का, आएंगे और मुझे लेके जाएंगे।
लेके तो आए ना ऑलरेडी, कितने साल पहले, कितने साल हुए तेरी शादी को? 8 साल. तो 8 साल पहले लेके तो आए ना इसको, बस आई है. कितने लेके जाएंगे? आ रहे हैं तभी तो यहाँ हूँ. पता नहीं बाइक को क्या हो गया, मतलब कुछ आफत लगी है, कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं. अब बताओ गलती महक की है या आरटीओ वाले की है? पार्किंग प्लेस पे लगाने के बाद भी अगर कोई ले जाए तो इंसान क्या करे? ये है ना, बस किस्मत खराब की बात है. गलती किसी की नहीं है, कभी नहीं टोकना चाहिए. किस्मत खराब की बात है, मतलब ऐसे होता नहीं है. ये एक एकदम ताज्जुब वाली चीज है कि मैंने बैंक्वेट के बाहर पार्क किया, पार्किंग प्लेस पे पार्क किया, और बैंक्वेट वाला बोलता है मैं 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, कोई बाइक नहीं गई है, मेरी बाइक चली गई. पता है नीचे जाके मैं एकदम पैनिक हो गई थी. मैंने अपनी बाइक ढूंढी और मुझे बाइक नहीं मिल रही थी मेरी, मुझे लगा कोई चोरी हो गई आज मेरी बाइक. तो मैं तो पहले तो पैनिक हो गई, मैं रोने भी लगी पैनिक होके. आप देख सकते हो पैनिक का लेवल कितना होगा. बाइक नहीं है तो टो हो गई वो नहीं सोच रही है, डायरेक्ट चोरी हो गई. नहीं एक्चुअली मैं हमेशा अपनी बाइक के हैंडल लॉक करती हूँ. आज मैंने बोला कि हम बहुत सारी बाइक है, किसी को ज़रूरत लग सकती है, तो मैंने हैंडल लॉक नहीं किया उसको, बस ऐसे ही रख कर मैं आ गई गार्ड के भरोसे. और गार्ड बोलता है कि मैडम गई, टाटा बाय बाय खत्म. इसका मतलब ये है अगर आप एक्स्ट्रा शॉपिंग करने का सोच रहे हो तो नहीं करना, पहले जाके टोइंग वाले को जाके पैसे दे के आओ, उसका मुँह मीठा कराओ. ये मेरे को मालूम है, अभी फोन पे इन्होंने मुझे याद दिलाया, बोले लेने तो चले जाएंगे मैं हम लोग, लेकिन उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया है. ये नेल आर्ट हल्का फुल्का कराया है मैंने, बस इसी का फटका लगा है मुझे, जा रही हूँ मैं. इसको बोलते हैं ना फ्री का कुछ नहीं चलता, ये बात हो जाती है. सही बात है, किसी किसी को हर चीज फ्री की चल जाती है और किसी किसी को एक चीज फ्री की नहीं चलती. नहीं चलती. देखो एक नेल आर्ट लगाया है, कॉम्प्लीमेंट्री था, मेहंदी और नेल आर्ट वो दोनों चीजों का, अब मिला के उसको टोइंग में भरना पड़ेगा और अच्छा खासा टोइंग में भरना पड़ेगा. पैसे होंगे तो दूंगी, नहीं होंगे तो छोड़ दूंगी. बोला आप रख लो 3-4 दिन के. हाँ चलो मिलती हूँ आपसे शायद वहाँ जाने के बाद. गाड़ी बचा के लेकर आ गई हूँ मैं और बस जस्ट अभी घर पे आई हूँ. तीर थोड़ी मार के आई मैंने, बचा के व्हाटएवर लेके आई हूँ. फटका लगा है इन शख्स को, फटका लगा है. कितने का लगा है? लग गया अभी, क्या बोला? बोला ना कितने का लगा? गाड़ी लेके जाते नुकसान चढ़ा के लगते. अरे कितना भर के बीवी की गाड़ी छुड़ा है वो तो बताओ. 400 रुपए का. वो भी बीवी ने वहाँ पे बोली के अंकल मेरे पास में इतना ही पैसा है, मेरे पास में पैसा नहीं है, तो उन्होंने मेरे को 100 रुपए डिस्काउंट दिए. 100 रुपए नहीं, 300 रुपए डिस्काउंट दिए. एक्चुअली वहाँ पे ना 500 रुपए था नो पार्किंग का और 200 रुपया था जो लोग टो करके लेके जाते हैं ना अपनी गाड़ी पे, वो लोग उसका भी चार्ज करते कि टोइंग का 200, मतलब टोटल 700. तो मैंने वहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग चलाई, 500 की नोट निकाली और उधर पे मैंने काउंटर पे बोली कि मेरे पास में अंकल सिर्फ 500 ही है, तो थोड़ा सा कम करके ले लो. तो मुझे लगा शायद अंकल है ना 700 के बदले मेरे से 500 ले लेंगे और रिटर्न कुछ नहीं देंगे. इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 100 रुपये रिटर्न दिए उन्होंने, जैसे दिए मैंने ले के रख ली. मैं बोली चलो, जहाँ 700 की बात थी वहाँ 400 में पड़ गई, ज़्यादा अच्छी बात है. और बस लेकर आई हूँ अभी गाड़ी, नीचे खड़ी की हूँ मैंने. वहाँ पे सोची थी आप लोग को दिखाऊँ मैं आरटीओ में, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, सारे लोग खड़े हुए थे. मैंने सोचा कि मैं क्या जो है ब्लॉगिंग करूँगी इसमें, तो फिर मैं ऐसे ही लेकर आ गई. बस अभी आई हूँ घर पे, अब क्या करना है, चाय. सर में दर्द हो चुका है अच्छा खासा, तो अब चाय पियेंगे और चाय पिलाएँगे. घर आ चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है, बस अब रह जाता है सोना. तो बस अब व्लॉग एडिटिंग होगी मेरी और फिर मैं उसके बाद सो जाऊँगी. जब तक पता नहीं, अब मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. दुआ कीजिए कि ऐसे ही व्लॉग करती रहूँ मैं, और जब तक के लिए अपना ध्यान रखें. अल्लाह हाफिज़.